अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी तवक्कल पे लिपटी दुआओं के लिए कुन फाया कुन का तोहफा है। क्या सोच रहे हो, एक ही दुआ मांग मांग कर थक गए हो, लेकिन वो कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंची। पुख्ता यकीन है जिस रब से मांग रहे हो वो देगा, फिर ये मायूसी कैसी। हाँ, मगर फिर भी अता करने में इतनी देर क्यों। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में देर इसलिए हो रही है कि तुम्हारी आवाज़ अल्लाह के उन पसंदीदा बंदों में शामिल हो चुकी है जिनका मांगना उसे पसंद आ गया है। अरे, तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जबकि तुम खुशकिस्मत हो, अल्लाह को तुम्हारे मांगने की कोई अदा पसंद आ गई है। तुम्हारी दुआएं तो उसके हाँ ख़ास मुकाम रखती हैं और खैर लेकर आएंगी, जब भी तो उनके लिए देर हो रही है। तुम्हारे सब्र से भरकर इनाम भी तो मिलने वाला है। यकीन रखो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को उस दरवाज़े से गुजार दिया है जो कबूलियत की मंजिल को छू कर ही रहेंगी। तो फिर अब अपनी दुआओं की कबूलियत के बारे में सोच के परेशान हो रहे हो, जब वो देने वाला अल्लाह है, वो अल्लाह जो तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो कैसे दर्द जाने से दे सकता है तुम्हारी उन दुआओं को जो तुम उससे इतने मान और यकीन से मांग रहे हो। तुम्हारा काम तो बस मांगते जाना है, उसका काम बस अता करना है। तुम अपना काम करो, वो रब अपना काम बखूबी जानता है। अल्लाह आसमान पे बैठा बहुत प्यार से तुम्हें देख रहा होता है। वो देख रहा होता है मेरा बंदा कैसे मुझे पुकार रहा है, सिसक रहा है। वो इतने प्यार से तुम्हें सुन भी रहा होता है, जवाब भी दे रहा होता है। जानते हो कैसे, जब भी तुम रोकर पुकारती हो, कब की हालत में, अल्लाह जी मैं आपको पुकार रही हूँ, आपसे मांग रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ, थक गई हूँ मैं। तो कभी दिल पे हाथ रख के महसूस करना, उसका जवाब आएगा हाँ मैं सुन भी रहा हूँ, तुम्हारे आंसुओं को समेट रहा हूँ मोतियों की तरह। तुम मेरे लिए थोड़ा सब्र रखो, मैं तुम्हें तुम्हारे गमान से भरकर अता करूँगा। और जब आपके बेचैन दिल में ये आवाज़ गूंजती है तो आपको सुकून की वादियों में उतार दिया जाता है।